जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो धन त्रयोदशी को लेकर है, जो बहुत ही नजदीक आ रहा है। एवं ये जो पर्व है सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये पर्व को प्राचीन काल में ये पर्व का कुछ अर्थ कुछ और था, अभी वर्तमान समय ये पर्व का अर्थ कुछ और हो गया। तो आज का जो मेरा विषय है ये पर्व को लेकर ही है। मैं आज कुछ गोपनीय बातें, शास्त्रोक्त कुछ पुराणोक्त कुछ बातें इस पर्व को लेकर मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। विषय को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ और आप लोगों को इसके लिए कुछ नॉलेज मिले, मेरा वीडियो देखकर कुछ नॉलेज मिले, कुछ समझे और आगे ये विषय किसी को आप बताएं तो वो भी समझे। इसके लिए ही मैं ये टॉपिक चूज करता हूं और आपके लिए उपस्थित करता हूं। मित्रों, अभी वर्तमान समय में आप सब लोगों को पता है धन त्रयोदशी के दिन कुछ भी सामान खरीदने से घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, लक्ष्मी का आवागमन होगा, ठीक है। इसलिए इंसान ज्यादा ज्यादा सोना चांदी हीरा मोती ये सब खरीदता है। क्या सचमुच हीरा सोना चांदी ये सब खरीद में लक्ष्मी घर में प्रवेश करता है? शास्त्रोक्त दो कहानी इसके पीछे है, ये धन त्रयोदशी को लेकर। क्या है वो कहानी, मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान से थोड़ा देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, शास्त्रोक्त दो जो कहानी है वो कहानी, एक नंबर कहानी मैं बोल रहा हूं। जो पहला कहानी है वो है समुद्र मंथन के समय, खीर समुद्र से पहले त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देवता अमृत कलश हाथ में लेकर आए, ठीक है। त्रयोदशी के दिन वो आए थे इसलिए धन त्रयोदशी के नाम हुआ। उस दिन उनके हाथ में था अमृत कलश। आप सबको पता है अमृत का अर्थ क्या है और वो अमृत को लेकर बाद में क्या हुआ घटना, ये सबको आपको पता है, इसके विषय में नहीं जा रहा हूं मैं। तो उनके हाथ में क्या था अमृत कलश, वो क्या थे वर्तमान समय में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो थे एक डॉक्टर, देवता के डॉक्टर, यानी कि आयुर्वेद के रचयिता, आयुर्वेद के प्रणेता, आयुर्वेद को सृष्टि किए हैं, आयुर्वेद को विश्व जगत के सामने पूरे पृथ्वी के सामने लाए हैं वो धन्वंतरी, जो जिनके नाम से धन त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो धन्वंतरी जो देवता थे वो आयुर्वेद को सामने लेके आए, हम सब लोग को बताए शरीर को निरोग, शरीर को मजबूत, इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाया जाएगा और कैसे शरीर की अंदरूनी शक्ति को जागृत करके इंसान हर रोग से मुक्ति पा सकता है। इंसान का शरीर है एक ना एक दिन वो तो नष्ट होना ही है और शरीर में रोग तो प्रवेश करेगा, तो इसके लिए आयुर्वेद का सृष्टि हुआ है। जो वर्तमान एलोपैथी में जो रोगों का समाधान नहीं हो सकता है, प्राचीन काल से हमारे सैकड़ों साल से ऋषि मुनि वो उपचार से हम लोग को स्वस्थ एवं निरोगी बनाते हुए आ रहे थे। तो धन त्रयोदशी का पहला ये जो कहानी है, त्रयोदशी के दिन अमावस्या के दिन खीर समुद्र से महालक्ष्मी का उत्पत्ति हुआ, महालक्ष्मी खीर समुद्र से आए। तो अमावस्या के दिन पूजा का अर्थ आप लोग समझ गए, अमावस्या के दिन पूजा का अर्थ है महालक्ष्मी का उत्पत्ति हुआ, इसलिए पूजा करते हैं, ठीक है। धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी का उत्पत्ति हुआ, तो सोना चांदी खरीदने का क्या कनेक्शन है आप लोग थोड़ा सोचिए इस विषय को। मैं बाद में वीडियो के अंत में मैं अपना जो मतामत है, जो अपना जो सोच है, मैं आप लोग को सामने जाहिर करूंगा, ठीक है। महालक्ष्मी अमावस्या के दिन खीर समुद्र से उत्पत्ति हुए, ठीक है, ये महालक्ष्मी का पूजा होता है, ठीक है। लेकिन धन्वंतरी एक आयुर्वेद का रचयिता है, वो एक डॉक्टर है, ठीक है। वो क्या बोल के गए थे, वो आयुर्वेद को इंसान के ज्यादा से ज्यादा इंसान को बोले आयुर्वेद को अपनाओ, प्राणायाम करो, योग करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, और जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके अपना शरीर को निरोगी रखो। वो तो बोल के नहीं गए थे जो सोना खरीदो चांदी खरीदो ये हीरा खरीदो मोती खरीदो इसमें लक्ष्मी का आवागमन होगा, त्रयोदशी में लक्ष्मी का कनेक्शन क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कोई शास्त्र मिला नहीं। चलिए मैं दो नंबर शास्त्रीय पुराणों तो दो नंबर सूत्रों में बता रहा हूं, दो नंबर कारण में बता रहा हूं। प्राचीन काल में हिमा बोलकर एक राजा था, उनका एक लड़का था राजा का, वो 16 साल में उस लड़का का विवाह होने का बात हुआ था, 16 साल में लड़का का विवाह भी हुआ। उसके बाद वो लड़का का विवाह होने के बाद उसका जन्म कुंडली में था, वो विवाह का चतुर्थ दिन वो मृत्यु के मुंह में चला जाएगा, यानी कि वो मर जाएगा विवाह का चतुर्थ दिन। तब विवाह जब हुआ तो उसका पत्नी को ये बात के बारे में पता लगा,
पता लगने के बाद वो उसका पत्नी बोला ठीक है मैं देखूंगा कैसे यम मेरा पति को लेके जाता है। तो वो क्या किए, विवाह होने 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 के बाद चतुर् 4 दिन तक एक ही कमरा में पति पत्नी बंद हो गए और किसी को आने नहीं दिए घर में, और एक दिया जलाकर घर में बैठे रहे 4 दिन तक लगातार। चतुर्थ दिन यम सर्प का रूप लेकर उस घर में प्रवेश किए और पत्नी क्या किए थे, अपना शरीर का जो भी आभूषण था सोना जवाहरात का जो गहना था वो गहना घर के चारों ओर फेंक दिए थे इधर उधर, ठीक है, और सारा रात पति को तो कहानी सुनाते थे। ठीक है, तो सर्प आए घर में प्रवेश किए, जमरूपी सर्प घर में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद वो रोशनी का जो दीपक का जो रोशनी है, रोशनी से गहने के ऊपर जो रिफ्लेक्शन हुआ उससे सर्प का आग धुंधला गया और सर्प वहां पे थोड़ा बहुत थोड़ा समय के लिए बेहोश हो गया। ठीक है, सोना चांदी के ऊपर बेहोश होकर थोड़ा लेटा रहा। उसके बाद जब वो जगा तब वो पत्नी पति को कहानी सुना रहा है, तो सर्प भी सारा रात होल नाइट वो कहानी सुनता रहा। सुनते सुनते भोर जब हो गया तो सर्प जमरूपी सर्प लगा सोचा ये तो मेरा माने मैं अपना जो सोच के आया था सोच मेरा सोच तो व्यर्थ हो गया, दिन निकल गया, नेक्स्ट दिन हो गया, 4 नाइट तो नहीं हुआ, 5वें दिन हो गया, तो इसलिए मैं अभी मुझे यहां से प्रस्थान करना पड़ेगा। तो वहां से वो चला गया। इसके वजह से क्या हुआ, उस लड़का का जो मृत्यु फारा था मृत्यु फारा कट गया और सब उस महिला का साहस का साधुवाद देने लगे। महिला को बोले जो बहुत अच्छा ये जो तुम्हारा साहस के वजह से ये हुआ। उसके बाद यम अपने भक्त को जो बोल रहे थे ये जो त्रयोदशी के दिन है शरीर को निरोगी मजबूत एवं यम के हाथ से बचने के लिए नरक दर्शन किसी को ना हो, नरक जंतना किसी को ना भोगना पड़े, इसलिए त्रयोदशी के दिन या और चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हर गृहस्थ लोगों को एक दिया जरूर जलाना चाहिए। त्रयोदशी के बाद जो दिन आता है उसको नरक चतुर्दशी या भूत चतुर्दशी भी बोला जाता है। उसी दिन उस दिन भी यम के उद्देश्य में एक दिया दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है। इससे इसका अर्थ क्या हुआ, निरोगी शरीर कामना किया जा रहा है, निरोगी काया, ये शरीर को काया बोलते हैं, निरोगी काया कामना पूर्वक एक दिया जलाया जा रहा है। आयुर्वेद का इससे कनेक्शन है, सोचिए मित्रों आयुर्वेद के इससे कनेक्शन है, निरोगी काया के लिए हम यम के उद्देश्य में एक दिया जला रहे हैं। इससे धन का कोई कनेक्शन कहां से आ गया, अभी मैं अपना असली मुद्दे पे आता हूं। धन का कनेक्शन ये जो है ज्योतिषी तांत्रिक ये लोग क्रिएट किया गया है। पहले के जमाने में आज से 30-40 साल पहले आप अगर देखते हैं, पहले के जमाने में अपने पिताजी दादाजी से मैं सुना हूं, ठीक है, मैं गुरु जी से भी अपने सुना हूं, पहले के जमाने में क्या होता था, इंसान बर्तन खरीदते थे, ठीक है, कुछ ना कुछ बर्तन इंसान खरीदते थे, इंसान जो कलश है वो कलश को खरीदते थे, पीतल का बांग्ला में मिलता है, पीतल का तांबे का कलश होता है, वो कलश विवाह में भी दिया जाता है, वो कलश प्राचीन काल में कलश खरीदते थे, देवता के लिए कुछ बर्तन खरीदते थे, लेकिन सोना चांदी बहुत कम लोग खरीदते थे प्राचीन काल में, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में क्या हो गया, इंसान सोने का दुकान में लंबा लंबा लाइन लगा हुआ रहता है, इंसान के दिमाग में ये बिठा दिया गया है सोना खरीदने से लक्ष्मी का आवागमन होगा। तो ये दो कहानी आप लोग सुने, ये दो कहानी में आपको कौन से जगह पे लगा, जो त्रयोदशी के दिन और वो जो मैं राजा हिमा का जो कहानी मैं बताया आपको वो त्रयोदशी के दिन ही हुआ था, ठीक है, वो भी त्रयोदशी के दिन हुआ था और त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी का उत्पत्ति भी हुआ था। जो प्राचीन दो कहानी मैं बोला, दो कहानी में त्रयोदशी का कनेक्शन दो कहानी में ही है, ठीक है, मैं बीच में बोलना भूल गया था, दो कहानी में त्रयोदशी का कनेक्शन है। तो त्रयोदशी का ये जो तिथि है, ये तिथि में धन का कनेक्शन आप लोगों को कहां से मिला, मुझे ये दो कहानी शास्त्र का दो कहानी पता है। अगर आप लोग इससे ज्यादा अगर कुछ भी कहानी पता है इसके आगे भी कुछ कहानी आप लोगों को है, आपके पास नॉलेजेबल कुछ भी है, आपको पता है शास्त्र कुछ ऐसा कुछ प्रमाण आपके पास है, तो जरूर कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है, मुझे भी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो संपूर्ण सोना चांदी का जो ये जो कहानी है, ये संपूर्ण कहानी जो है ये क्रिएट किया हुआ है इंसान को व्यवसाय के लिए, बिजनेस का ये एक कहानी है। बिजनेस जितना सोना चांदी बिकेगा, जितना हीरा मोती बिकेगा, उतना अपना प्रॉफिट होगा, ज्योतिष भी ये वो बहुत सारे चीज बेचते लगेंगे। तो ये सब कहानी में चक्कर में मत पड़े। त्रयोदशी का धन, त्रयोदशी का मूल अर्थ है अपना शरीर को निरोगी बनाए, अपना काया को मजबूत करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो परिवार में आयुर्वेद का इस्तेमाल हो, आयुर्वेद का जानकार सब लोग बने। प्राचीन काल में सब लोग जड़ी बूटी के बारे में जानते थे, सब लोग गांव गांव में जड़ी बूटी के बारे में जानते थे। इंग्रेज का
आने के बाद से ये गुरुकुल संपूर्ण बंद हो गया और धीरे 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 इंसान जड़ी बूटी को पहचानना भूल गए। इसीलिए धन त्रयोदशी के दिन में प्राणायाम करे, योग करे, मेडिटेशन करे और आयुर्वेद का संकल्प ले। आयुर्वेद का इस्तेमाल आगे का समय में 1 साल तक हम लोग आयुर्वेद के इस्तेमाल करें, पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पहले घर में अपना बीमारी का खुद निदान ढूंढेंगे आयुर्वेद के द्वारा। यह है धन त्रयोदशी का संपूर्ण अर्थ। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूं ऐसे कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल वीडियो लेकर। आज के वीडियो में इतना ही। हरिओम तत्सत।